प्रिय बालक जी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आप है क्लास फोर्थ के बिहार बोर्ड के बच्चे। आज हम बात करेंगे आपके इंग्लिश की जो बुक होती है उसका हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ाए थे कि आपको देख लेते हैं एक बार। नहीं, आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है आई लव ग्रैंडमा। एक बच्चा है या आप हैं या हम हैं, ऐसे समझ लें बचपन के चीज़ें हैं। बच्चे को एक बहुत छोटा सा बच्चा है उसको अपनी दादी माँ से, किससे? ग्रैंड माँ। ग्रैंड माँ मतलब दादी माँ होती हैं या दादी होती हैं। लव मतलब प्यार है। और मैं बच्चा पर जो राइटर जिसने कविता लिखा है उसको उन्होंने बोला कि मुझे अपनी दादी माँ से क्या है, प्यार है। दादी माँ से बहुत प्रेम करता हूँ, दादी माँ के साथ रहता हूँ, खेलता हूँ। ये उस पर चीज़ें हैं। पहले शुरू शुरू जैसे आपका पोएम शुरू होगा, इसमें लिखा गया है वामर में, आंसर दिस क्वेश्चन बिफोर यू रीड द पोएम। कविता पढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चन का आपसे उत्तर पूछा जा रहा है। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, हु एल्स बिसाइड योर फादर एंड मदर लिव इन योर फैमिली। मतलब आपके माता पिता के अलावा आपके परिवार में कौन कौन से लोग हैं, आपसे पहला प्रश्न पूछा गया है। तो आप आंसर अपने हिसाब से दे दीजिएगा। हो सकता है कि चाचा हो, चाची हो, भाई हो, बहन हो, जो भी आपके माता पिता के अलावा आपके परिवार में जो लोग हैं उनके नाम लिखना है। अगला प्रश्न है, डू यू हैव दादी और नानी एट योर होम। आपके होम पर, आपके घर पे दादी या नानी कोई है क्या? दादी या नानी में से कोई है क्या? हाउ मच आर योर अटैच्ड विद हर। आपसे पूछा रहा कि आप उनसे कैसे अटैच हैं, आप उनसे कैसे संपर्क में हैं, आपसे उनका कैसा लगाव है। अगला सवाल है, डू यू लव हर, हाउ डू यू शो लव टू हर। क्या आपको उनसे प्यार है? अगर है तो उनको आपसे कैसा प्रेम है, ऐसे इनके बारे में लिखना है। लास्ट सवाल, हाउ डू योर पेरेंट बिहेव विद हर। आपके माता पिता आपके दादी माँ के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? ये चार प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। तो मैं आपके लिए लिख के ला दिया हूँ आंसर, आप एक बार पढ़ लेंगे। आपको चैप्टर पढ़ने से फ़ायदा होगा कि आपको सब कुछ याद हो जाएगा। आपको पहले तो क्वेश्चन का आंसर भी करा दिया हूँ, फिर आपको उसके सारे वर्ड लिखवा दिया हूँ। चलिए, ये प्रश्न हो गया, इसके आंसर हो गया कि हमारे फैमिली में अपार्ट फ्रॉम पेरेंट्स के होते हैं, देयर आर उनके क्या है, ग्रैंड फादर है और ग्रैंड मदर है, अंकल हैं, आंटी हैं और ब्रदर और यंगर ब्रदर है। मतलब छोटा भाई भी है और बड़ा भाई भी है, यंगर सिस्टर, एक छोटी बहन भी है। ये सवाल पूछा गया था कि आपके घर पे कोई है क्या? हाँ, तो बिल्कुल हैं। आप बोलेंगे हैं, आई हैव माई दादी, मेरी दादी हैं एट होम, माई होम मेरे घर पर रहते हैं। आई ऑलवेज कीप क्लोज टू हर। हम एक दूसरे से बहुत क्लोज रहते हैं, हम एक दूसरे से बहुत मिले घुले रहते हैं। डू यू लव हर, हाउ डू यू शो यू लव टू हर। मतलब कि क्या आप उनको प्यार है? तो आई लव माई दादी, हम उसे बहुत प्यार हैं। टू शो, आप उसको कैसे दिखाते हैं? तो टू शो माई लव, मैं अपना प्यार दिखाता हूँ दादी के प्रति। कैसे? आई सिट, मैं बैठ जाता हूँ ऑन हिज लैप, मैं उनकी गोद में जाके बैठ जाता हूँ। ये मेरा उनको प्यार दिखाने का मेरा तरीका है। एक प्रश्न आपसे आप पूछा गया था कि हाउ डू पेरेंट्स बिहेव विद, आपके पेरेंट्स कैसे व्यवहार करते हैं? आप लिखेंगे मेरे पेरेंट्स जो है ट्रीट करते हैं, ट्रीट मतलब व्यवहार करते हैं और ग्रैंड मदर से वेरी वेल, बहुत अच्छे से व्यवहार करते हैं, उनका सेवा करते हैं। ठीक है, चलो, ये पहले तो कुछ आपको चैप्टर के वर्ड्स हैं आपको याद रखने हैं। ठीक है, जब तक आप याद नहीं करेंगे चैप्टर को समझ में नहीं आएगा। चलिए, अब हम चैप्टर पढ़ेंगे, उसका अर्थ भी समझेंगे। लिखा कि ग्रैंडमास आइज आर शाइनिंग ब्लू। जो दादी माँ की आंखें हैं चमक रही हैं, कैसे? नीली ब्लू चमक रही हैं। थ्रू कैसे मालूम चल रहा है? माध्यम से। द ग्लास ऑन द हर नोज, जो उनके नाक पर जो ग्लास हैं, नाक पर जो ग्लास टिका हुआ है उसके माध्यम से दिख रहा है कि दादी माँ की आंखें चमक रही हैं नीली। ग्रैंडमा हैज़ द स्वीटेस्ट स्माइल, उनकी जो स्माइल है बहुत प्यारी है। एंड नाइसेस्ट स्मेलिंग क्लोथ्स, और उनकी जो कपड़े के खुशबू है बहुत सुंदर है। व्हेन ग्रैंडमा रेस्ट, जब दादी माँ रेस्ट करती है, आराम करती हैं,
आई एम स्टिल, मैं ठहर जाता हूँ, मैं रुक जाता हूँ, अनटिल जब तक सी वेकअप्स, जब तक वो उठती नहीं है। कितना बच्चे को प्रेम है, देख रहे हैं दादी माँ सो रही है तो उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, जाके चुप, जैसे दौड़ते तो गया, देखा तो दादी माँ सो रही हैं, चुपचाप रुक गया। कब तक रुक गया? जब तक दादी माँ वेकअप्स, जग न जाए तब तक। एंड देन, जैसे वो जगती हैं, देन आई रन, मैं दौड़ कर एंड हग माई, जाकर उनके गले, या गले लगा ले, देखो जाकर दादी माँ से गले लगा लेते हैं। एंड देन हग माई ग्रैंड माँ, ठीक है डियर, और देन उनकी दादी माँ भी सी हग्स मी बैक अगेन, उनकी दादी माँ भी उनको अपने से गले लगा लेती है। पहले ये गले लगा लेते हैं, फिर बच्चा गले लगाता है, फिर दादी माँ भी उसको गले लगा लेती है। ये दर्शा रहा है कि दोनों में आपस में बहुत प्रेम है। चलिए, तो जो कविता आपने पढ़ा, तो पहले आप इस पोएम को लिख लेंगे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक लिख लिया आपने, इस पोएम को आपने लिख लिया। हाँ, अब लिख लिया तो इसका हिंदी में अर्थ भी लिखवाता हूँ, ताकि कभी आप हिंदी पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। पूरा कविता का अर्थ हो गया। चलो अब चैप्टर के प्रश्न सर चल करते हैं। ये तो कुछ आपके बुक मोड़ दिया था, इससे अधिक तो मैं लिखवाइए दिया हूँ। चलो पहला प्रश्न है ग्रैंडमास की, आपको ट्रू फॉल्स बताना है, सही है गलत है। ग्रैंडमास आई आर शाइनिंग ग्रीन, क्या दादी माँ की आंखें हरी हरी चमक रही थी, बताइए यस और नो, ट्रू और फॉल्स। तो कहोगे नहीं तो गलत बात है, क्योंकि ब्लू झलक रहा था तो ये फॉल्स हो गया। तो हम इसके आंसर में लिखेंगे बच्चा जी फॉल्स। दूसरा प्रश्न है हर ग्लासेस आर हर ईयर्स, क्या उनकी जो आँख जो चश्मा था उनके कान पर था, कभी नहीं, फॉल्स, नाक पे था। ग्रैंडमाज, इसमें थोड़ा सा पहले ग्रैंडमा हैज द स्वीटेस्ट स्माइल, ट्रू, क्या उनके ये बात सही है, हाँ तो ट्रू है, क्योंकि उनका स्माइल जो है बहुत स्वीटेस्ट था, बहुत मीठा था। सी हैज द नाइसेस्ट स्मेलिंग क्लोथ, क्या उनके कपड़े खुशबू बहुत अच्छी थी, हाँ बिल्कुल, तो ये भी ट्रू है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत था, ये गलत था लाइन। पांचवा आपको इसमें नहीं लिखा, तो पहले पांचवा को क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। पांच बार क्वेश्चन लिखेंगे पहले आप, अब बताएंगे आप कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। हाउ एट वाइल ग्रैंड मदर, जब दादी माँ रेस्ट करती हैं तो द पोएट, क्या वहाँ शोरगुल करता है, हल्ला गुल्ला करता है, नॉइस नियर हर, क्या जगह बच्चा हल्ला कर रहा था, नहीं, ये फॉल्स हो गया। तो यहाँ पर आप लिखेंगे फॉल्स। फॉल्स ग्रैंड मदर, क्या ग्रैंड माँ डिसलाइक हर ग्रैंड सन हगिंग हर, क्या उसको नापसंद करती थी, तो ये भी क्या है, ये भी फॉल्स है, ए पी एल एस सी, तो सबका आंसर हो गया। तो पाँचों का फॉल्स होगा और सिक्स का ही फॉल्स होगा, मैं क्वेश्चन नहीं लिखा हूँ सिर्फ। चलो अब आते हैं सर हम क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या लिखना है आपको, ये वाला, यहाँ से लिखिए, ये वाला क्वेश्चन आपको लिखना है, ये नहीं लिखना है, लिखना है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाई पुटिंग द राइट फ्रॉम ऑफ वर्ड गिवन ब्रैकेट्स। तो ग्रैंडमाज जो इसका हिंदी होगा कि दादी माँ की, ग्रैंडमाज डॉट 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 आर शाइनिंग ब्लू, क्या शाइनिंग ब्लू कर रहा था, नेल्स की आँख, नेल्स की उनका आई, तो आँख, तो यहाँ पर आई भर दो, क्या भर दोगे, आईज। ग्रैंडमा हैज द डॉट डॉट स्माइल, उनका क्या स्माइल कर रहा था, डिवलेस्ट या उनका स्वीटेस्ट, तो उनका स्माइल कैसा था, स्वीटेस्ट था, तो यहाँ क्या भरोगे, स्वीटेस्ट भरा गया। चलो इधर आते हैं तीन नंबर में, सी इज वेयरिंग द डॉट 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 स्मेलिंग क्लोथ्स, तो कैसा कपड़े का स्मेल कैसा था, नाइसेस्ट, सुंदर था, तो भर दोगे तुम नाइसेस्ट, हो गया। चलो वेन ग्रैंडमा डॉट डॉट आई कीप क्विट, जब ग्रैंडमा क्या कर रही थी, तो मैं आई कीप क्विट, मैं शांत रहता था, तो जब वो रेस्ट कर रही थी, क्या कर रही थी, रेस्ट, आपके बुक में रेस्ट दिया, स्लिप नहीं दिया है, तो रेस्ट भरोगे।
आयरन डॉट डॉट माई ग्रैंड माँ, मैं दोस्तों दादी माँ को क्या करता था भाई, ढकेल पुल धक्का मार देता था कि उनको गले लगाता था, तो हग हग मतलब गले लगा लेता था उनको। देन सी डॉट डॉट, तो वो क्या करती थी, वो हमको तो भी हमको थोड़ा भी हमको फेंक देती थी या हमको गले लगा लेती थी, तो वो भी हमको गले लगा लेती थी, तो भी हमको गले लगा लेती थी। इस तरह से हमने जो भी दो ऑप्शन दिया गया था उसमें से सही से आंसर भर लिया। चले प्रश्न से करते हैं, ये वाला प्रश्न करिए, डज द पोएट केयर फॉर हिज ग्रैंडमा विच वर्ड एंड फ्रेज शो दिस, किस वर्ड के माध्यम से कवि जयम को अपना प्यार दिखा रहा था, उनका ख्याल रख रहा था। तो इसका आंसर लिखोगे यहाँ से, तो इसका आंसर लिखोगे यहाँ से, एक नंबर का आंसर यहाँ से। क्वेश्चन में अपने बुक से लिखा होगा, क्वेश्चन में नहीं लिखा हूँ, क्वेश्चन अपने बुक से लिख लिया, आंसर यहाँ से लिख लेना आंसर, वेकअप। चलिए दूसरा प्रश्न करिए, हाउ कैन यू से दैट बोथ ग्रैंडमा एंड सन्स हैव वेरी डीप लव, आप कैसे दिखा सकते हैं कि दोनों में गहरा प्यार था, प्रेम था एक दूसरे से, ईच अदर एक दूसरे से। तो इसके आंसर भी हम लिख के लाए हैं आपके लिए, तो दो नंबर क्वेश्चन में लिख दिया हूँ, उसका आंसर भी यहाँ लिख दिया हूँ। तीसरा प्रश्न, हाउ डू यू ट्रीट विद योर ग्रैंडमा, आपके घर पे दादी माँ से कैसे व्यवहार होता है उसके बारे में लिखिए। तो लिखो आई बिहेव विद माई ग्रैंडमा सेंसरली, इसका ये भी लिख सकते थे, जो आपको शुरू में पढ़ाया गया था वहाँ पर मैं शुरू में लिखवाया था ना, वो भी आंसर आप लिख सकते थे, इसका आंसर में आप ये भी लिख सकते हैं ये वाला, कि जो आवर पेरेंट्स ट्रीट योर ग्रैंड मदर वेरी वेल, ये वाला भी लाइन आप लिख सकते हैं, तो भी आंसर सही हो जाएगा। चलिए अब ये तो भरना है, कहता कि राइट टू मोर रिदम, इसके लाइन में इसमें कहता ब्लू, तो ब्लू जैसा कुछ वर्ड बोलिए दूगो, तो मुझे तो याद आ गया ग्लू फ्लू, आपको क्या याद है, आप उसको लिख सकते थे। अब नोज का उच्चारण जैसा कुछ वर्ड बोलिए, तो नोज रोज पोज डोज ऐसा था ना, बैक तो लैक रैक ऐसा कुछ वर्ड आ गया। करेक्ट स्पेलिंग, ये तो आपको करेक्ट करना है, ब्लू का स्पेलिंग गलत है, सही आपको लिखना है, जैसे मैं एक दिखाता हूँ कैसे लिखना है, बाकी आपका होमवर्क में छोड़ देंगे। पहला वर्ड लिख दिया है, इसको करेक्ट करना है, क्वेश्चन क्या है, करेक्ट द स्पेलिंग द फॉलोइंग वर्ड्स, पहला वर्ड क्या है बी एल डब्ल्यू, तो ये तो गलत है, इसको सही करना है, सही करोगे बी एल यू ई ब्लू, यहाँ पर लिखा है थ्रू टी एच आर ओ जी एच, ये भी वर्ड गलत है, ये सही हो गया, ये गलत था, ये भी मिस करेक्ट इनकरेक्ट है। करेक्ट कैसे करना है, करेक्ट करना है यानी सही करना है, करेक्ट करने के लिए आप उसको टी एच आर ओ यू जी एच, आपने बुक में पढ़ा था थ्रू ऐसा लिखा था। तो इस तरह से मैं दो बना दिया, आप इसको 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 ये सब बना लेंगे, हो गया, ये तो बनाना ही पड़ेगा, थोड़ा मोड़ा काम नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। और इधर कुछ दिया क्या, पिक द वर्ड द फ्रॉम टेक्स्ट दैट मीन्स फॉलोइंग फादर्स मदर्स, इनका वर्ड आपको लिखना है, लिम्स केस टू स्लीप बिलेम मच टाइम, अब देखो ये बोला कि से दिस वर्ड अलाउड, आपको जोर जोर से पढ़ना है, हग टग बग ठीक, डग ड्रग जग मग श्रग प्लग रग स्लग ठग ठीक, आपको ये पढ़ना था वर्ड। यूज द फॉलोइंग वर्ड्स शोन बिलो, ये वाला छोड़ देते हैं, कोई खास जरूरत नहीं है इसका। और आपको ये वाला एक पजल दिया है, इस पजल को भर दीजिएगा, पजल मतलब गेम है, आपको वर्ड इसमें ढूंढना है,
तो मैं एक वर्ड देख रहा हूँ नेफ्यू, जो भतीजा होता है ना, भतीजा भतीजी, ये वाला वर्ड मुझे दिखा। और क्या दिख रहा है मुझे, अंटी, अंट, AUNT, अंट, चाची। मुझे क्या दिख रहा है, अंकल, UN। ऐसे से आपको पजल बना देने हैं, ठीक है। तो ये बना लीजिएगा, इस तरह से आपका चैप्टर डी हो जाता है फिनिश यहीं पर। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। और यहाँ पर एक आपको फ्लो चार्ट बोला था बनाने के लिए, तो फ्लो चार्ट मैंने बना दिया है। ब्लैक ड्रॉ द पिक्चर योर फैमिली योर बिगेंस एज गिवन द बिलो। आपको ड्राइंग बनाना था तो इस ड्राइंग को बना दिया है कि ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो ग्रैंड फादर हुए, उनके दादा दादी थे तो उनसे दादा दी हुए, फिर उनके संतान हुए, उनके संतान ही अपने माता पिता होते हैं और उस और अपने माता पिता से हम होते हैं, मैं होता हूँ, आई, माई सिस्टर, माई ब्रदर, ये सब हो सकते हैं, ठीक है। चलो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे और होम के बारे में, तो उसमें आपको लाइन बाई लाइन लिखवा के उसके सारे आप हिंदी समझा के उसके वर्ड मीनिंग लिखवा के चलते रहेंगे, और साथ में आपको आंसर क्वेश्चन भी करा देंगे। तो वीडियो को देख के आप नोट्स बना के सारे वर्ड याद करेंगे, ऑफलाइन में सुना जाएगा, घर पर पढ़ते हैं तो भी आपको याद करने चाहिए, ठीक है। मन लगा के पढ़िएगा, खेलते रहिएगा, मस्ती कीजिएगा, साथ में मस्ती में पढ़िएगा। जितना आप खेल में प्रेम है आपको, उतना पढ़ाई में आपको प्रेम होना चाहिए। धन्यवाद बच्चा जी।